सोचिए जरा कि एक टीचर जो कि अपने बच्चे से ये उम्मीद करता है कि वो टॉपर निकलेगा और अचानक से उसका 49%। कई बार आप देखें अपने आसपास जिस प्रोफेशन से आपका परिवार जुड़ा रहता है, सबसे पहले आपके दिमाग में वही आता है, पीसीएस प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ मेरा, लोअर में भी नहीं हुआ मेरा, और यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट लिया उसमें भी प्रीलिम्स में नहीं हुआ मेरा। सवाल से प्रैक्टिस का सबको उदाहरण देता हूँ कि अगर एकलव्य मूर्ति के सामने प्रैक्टिस करके सबसे बड़ा धनुर्धारी बन सकता है तो जरूरी नहीं है कि अर्जुन जैसी सुविधा आपको मिले। सितारे यूपी के आज के हमारे इस एपिसोड में कहानी एक ऐसे सितारे की है जिसने बेहद कम संसाधनों में कुछ कर गुजरने की चाह रखी, जिसने अपनी समझदारी और सूझबूझ से दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिसने यूपी के कद्दावर नेता का पर्दाफाश किया। ये कहानी है मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह की। पहली बार मैंने शहर में पढ़ने जाना शुरू किया तो रोड उस समय भी नहीं बनी थी, छोटी साइकिल थी मेरी, और मुझे याद है कि बारिश के टाइम में करीब करीब आधे किलोमीटर तक रोड पूरी तरह डूब जाती थी, तो उसमें हम लोगों को साइकिल उठा के ले जाना पड़ता था। प्रिंसिपल बड़े सख्त थे यूनिफॉर्म को लेके, और जूते जो है पॉलिश्ड होने चाहिए। हम लोग गाँव के तो करते क्या थे, प्लास्टिक में बांध के और पीछे कपड़ों को और पीछे दबा लिया करते थे और साइकिल ऊपर उठा के जाते थे, और फिर एक बाग में जाके सब कुछ झाड़ के, और फिर वही कच्चा बनियान और टाइप का गांव में वैसे रहे थे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी, तो पार करते थे और फिर बागीचे में जाके फिर पहन लिया करते थे। चौथी तक तो पेड़ के नीचे पढ़ा, और घर से बोरा लेके जाना पड़ता था। मैं इस मामले में थोड़ा सा लकी रहा कि मुझको जो टीचर्स पढ़ाते थे बहुत स्नेह करते थे, लेकिन हाँ मेरे फादर बड़े जागरूक थे, तो एक तरीके से कहें कि उनके जागरूक होने से हम सबको बड़ा ही माहौल वैसा नहीं था, एक ऐसा अनुशासन था कि अगर कह दिया कि नहीं करोगे तो हम लोग नहीं करते थे, चाहे कोई देख रहा हो तो या नहीं देख रहा हो। कि और मदर भी जागरूक थी, उस अपने दौर की कक्षा 8 तक पढ़ी हुई थी, बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय। ये मैं जरूर बताऊँगा कि इंटरमीडिएट में मैं किसी तरह बस पास हो गया समझिए, यानी सेकेंड डिवीज़न हूँ लेकिन 49%। बहुत बड़ा झटका था, मेरे से ज़्यादा मेरे फादर के लिए बहुत बड़ा झटका था, एक टीचर के लिए जैसे मातम छा गया घर में। और फिर आप एक टीचर कितना लेक्चर देता है इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मतलब जब सामने पड़ता था तब एक घंटे का आधे घंटे का जितनी फुर्सत हो उतनी, तो लगता था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। जब भी मैं इंटरमीडिएट में था तो मेरे एक टीचर थे साइंस के, और ये मैं कई बार लोगों से शेयर करता हूँ जानबूझ के, प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग था, मैंने चुपके से पूछ लिया कि वैल्यू कितना आएगा, 0.01 पे सेट कर दिया मैंने, और उसके बाद बुरादा डाल के और देखते हैं, तो देख के मैं कहता वाह क्या सीन है, तब तक पीछे से वो आया, उन्होंने उसको ऐसे किया, क्या क्या वैल्यू आया कुछ निकाला, मैंने तुरंत कहा सर 0.01, उन्होंने कहा क्या देखा, फिर सब कुछ देख के कहा, फिर से बिगाड़ा उन्होंने, कहा जरा फिर से सेट करना, फिर से मैंने सेट कर दिया उसको, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ आओ, वो अपने चैम्बर में लेके गए मुझको, उन्होंने कहा कि अच्छा सही सही बताओ 0.01 कैसे तुम्हारा आया, क्योंकि 0.01 नॉर्मली जिसको बताया ना जाए वैल्यू का सेट नहीं कर सकता, और स्टूडेंट तो कोई नहीं करता, तुम्हारा कैसे आया। तो फिर मैंने बताया कि पीयून ने बता दिया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम साइंस छोड़ दो, तुम लिटरेचर आर्ट्स के फील्ड में जाओ, तुम उसके बाद तुमको कोई रोक नहीं सकेगा, ये मेरी बात मानना। अब उन्होंने कहा, उस समय मैं बच्चा था बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, और फिर सबसे बड़ी बात है कि साइंस से आर्ट्स में कहो गांव का माहौल पहले ही, मतलब वो फादर टीचर वो मातम छा जाता है एकदम से, कि बताओ वो ऐसा होता है कि जैसे गांव में कह दे कि मैं अभी भी कोई कहता है कि मैं खेती करने जाऊंगा तो लोग कहते हैं अरे बताओ। हमारे यहाँ गन्ने का गुड़ बनता था और भेली, कि अक्सर गन्ने के दिनों में मैं 2:30 बजे उठता था, 2:30 बजे 3 बजे, और गन्ना पेरना शुरू कर दिया। टारगेट ये रहता था कि कॉलेज जाने से पहले दो कड़ाहा गुड़ तैयार कर लेना,
ये करते करते इतनी आदत हो गई कि नए वाले जो गन्ने की वैरायटी है उसका गुड़ कैसे बनेगा और भेली कैसे बनेगी, खास तौर से भेली, गुड़ तो बन जाता था लेकिन भेली बनाने में दिक्कत होती थी, तो लोग मुझको गुड़ बनाने के, गुड़ की पहचान कराने के लिए लेके जाते थे साइकिल से। बोझ तब भी नहीं लगता था, कई बार रातों को पानी चला जा रहा है, कई बार मैं नाली करीब करीब 200 मीटर की नाली खुद ही बनाई। मेरे फादर इसको बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते थे, अगर कभी वो आ जाए और मैं काम कर रहा हूँ तो उतनी देर तक वो लगातार बोलते थे, बताओ यही सब करना है लाइफ में, यही सब करना है। लेकिन वो एक धुन थी। और फिर जब तक मैंने घर गांव छोड़ा नहीं, और वो भी छोड़ा मास्टर्स होने के बाद, वहीं के कॉलेज से मास्टर्स किया, उसके बाद जब पहली बार उस समय के इलाहाबाद पहुँचे और फिर वाया इलाहाबाद BHU पहुँच गए, तब धीरे 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 करके वहाँ से फिर छूटने लगा, क्योंकि हॉस्टल में जब रहने लगे तो, और फिर जब तैयारी करने के लिए इलाहाबाद गए, उसके बाद से धीरे धीरे उन सब से जुड़ाव छूटा। दौर के हिसाब से ये नहीं कहूँगा कि स्ट्रगल क्या था, एंजॉयबल था और काफ़ी सिखाने वाला भी। आज भी जब कोई किसान मेरे सामने खड़ा होता है, गाँव का पर्सन मेरे सामने खड़ा होता है, उससे कनेक्ट करने में खुद को मुझे बड़ी मदद करता है, वो मेरा बैकग्राउंड। इंटरमीडिएट वाली स्टोरी जानबूझ के मैंने बताई, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम एक बार आप कितना कमज़ोर विद्यार्थी है, इंटरमीडिएट के बाद अप हुआ तो फिर यूनिवर्सिटी में सबसे बेहतर मार्क्स ले आने में भी कामयाब हुआ, मतलब फर्स्ट फाइव, नॉट द टॉपर लेकिन फर्स्ट फाइव, कॉलेज में फर्स्ट फाइव, इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी। BHU में भी मैं टॉपर में था, टॉपर्स में था, और किसी बिना विशेष प्रयास के फिर चीज़ें होती गई। हाँ, ये था कि UPSC में आने का निर्णय बड़ा देर से लिया, बहुत ही ज़्यादा, जब मैं 25-26 साल का था तब सोचा, तो उसके पीछे वजह ये थी कि इतनी ज़्यादा मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते थे, फिर देश दुनिया के बारे में, फिर अपनी डिफ़िकल्टी के बारे में, तो जब कोई किसी अखबार में अपनी डिफ़िकल्टी के बारे में पढ़ते थे या मैगजीन में, तो लगता था यार ये तो सबसे पुण्य का काम है, सबसे अच्छा काम है, ये वाला जर्नलिस्ट बनना है। तो उसी चक्कर में फिर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर डाला, और फिर जब फील्ड में आए जर्नलिज्म के, तो वहाँ पे फिर अचानक से उस समय के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने गाइड किया कि आखिर जो तुम खोज रहे हो वो तो कहीं और है, एक बार ट्राई करके देखो UPSC में भी। और फिर दिमाग लगा कि अच्छा चलो इस पे फोकस करके लगते हैं। फिर ये होता है कि जो तैयारी करने जाता है, आप इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं तो आप फॉर्म्स भरेंगे, ये भी भर दिया, वो भी भर दिया, वो भी भर दिया, PCS प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ मेरा, लोअर में भी नहीं हुआ मेरा, और UPSC का पहला अटेम्प्ट लिया उसमें भी प्रीलिम्स में नहीं हुआ मेरा। और जब एक साल तक, डेढ़ साल तक, उस समय लगातार कई सारे आए थे एग्जामिनेशंस, तो मैंने भरा और सबका रिजल्ट नील प्रीलिम्स दिया। तो क्या होता है जब पेपर दे के आते हैं तो लोग चर्चा करते हैं कि किसका कितना हुआ, क्या स्कोर जाएगा, तो सब लोग अपना अपना पेपर मिलाते थे। तो मुझे याद है कि जब ग्रुप में होता था कि जरा मेरा देखिए, तो कहते थे एक मिनट पहले मिला ले, मतलब मुझको मोस्ट नॉन सीरियस टाइप का माना जाता था, जिसका कभी कोई प्रीलिम्स भी नहीं निकला, तो पहले अटेम्प्ट में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं कमिटेड था कि करना है तो करना है। और इलाहाबाद में आप देखेंगे जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती, तो उनके लिए, हमारे लिए तो ये भी था कि मेरा छोटा भाई मेडिकल में चला गया था, तो अब ये भी था कि फादर के बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा, तो पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस दौरान चूँकि मैंने जर्नलिज्म किया हुआ था, तो एक उस समय ददन वोडाफोन कंपनी हुआ करती थी पहले, तो वोडाफोन कंपनी से पहले हच थी, उसका हच का मर्जर बाद में हुआ था। तो हच के लिए मैं जो मीडिया में जो पब्लिसिटी के चीज़ें होती थी उससे मैं जुड़ गया, तो थोड़ा बहुत खर्च निकालने भर हो गया, और फिर बाकी एकदम फोकस कर दिया तैयारी क्यों ही। प्रीलिम्स नहीं निकलता था तो ये नहीं कहूँगा कि मैं निराश नहीं होता था, निराश होता था, और उससे भी ज़्यादा निराशा तब होती थी जब कोई मुझको सीरियसली लेता नहीं था। आप सोचिए कि ये सारी गैदरिंग में
लास्ट तक वो कहते थे कि अच्छा ठीक है बाद में, अच्छा ठीक है बाद में, बाद में कहते थे यार तुम्हारा क्या देखें। फिर सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा IAS का प्रिलिम्स निकल गया, PCS का फिर भी नहीं निकला, UPSC का निकल गया प्रिलिम्स। तो सब लोगों ने कहा कि हाँ भाई तुक्का तुम्हारा अच्छा लगा है। मुझे लेकिन ये पता था कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैंने प्रिलिम्स की तैयारी तो कर ली, मेंस के लिए तैयारी नहीं था मैं। और फिर जब प्रिलिम्स निकल गया तो जल्दी जल्दी, उस समय तक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं बना था, लेकिन अब प्रिलिम्स निकाल लिया तो अब सेकेंड सब्जेक्ट, सेकेंड ऑप्शनल की तैयारी करने लगा। तब क्या होता था कि प्रिलिम्स में एक सब्जेक्ट और एक GS आता था, तो सब्जेक्ट और GS की तैयारी होती थी, सेकेंड ऑप्शन में ढूंढने लगा। फिर ये हुआ कि जिस चीज़ में एवरेज है वो मैं चूज़ करूँ, तो हिंदी साहित्य चुन लिया, हो गया। उसके बाद जब मैंने हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू किया तो बड़ा ही लेंथी उसका सिलेबस दिखा। शुरू में लगता था कि सारा कुछ एकदम कर लूँगा मैं, क्योंकि खुद इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ, हिंदी साहित्य में मेरी रुचि रही है, तो मुझे लगा कि बहुत आसान होगा, लेकिन मेरे लिए बड़ा टफ लगा। आप जब तैयारी करोगे तो अप डाउन्स इतने ज़्यादा होते हैं, कई बार आप बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, ये सबके साथ होता है। अच्छा, जिसका नहीं निकल पाता वो सोचता है कि जिन्होंने निकाल लिया उनके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, होता सबके साथ। जितना लंबा आपका स्ट्रगल उतना ज़्यादा आपके लाइफ में डाउन्स आएंगे। तो अब ऐसा हुआ कि मेंस भी निकल गया, मेंस का रिजल्ट आया उसमें भी मेरा, तो फिर मुझे, मैंने कहा यार फिर मैं खुद को जाया कर रहा हूँ। इंटरव्यू तक पहुँच गया और इंटरव्यू में मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं गया। रिजल्ट देखा तो रिजल्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और फिर उसके कुछ ही दिन बाद प्रिलिम्स था। मैंने सोचा कि इस बार छोड़ देता हूँ। शाम को चाय पे जैसे मिलते हैं, एक सीनियर मिले, तो मैंने कहा कि इस बार छोड़ूंगा, इस बार केवल प्रिपरेशन करूंगा, अगली बार तीसरा अटेम्प्ट लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक किया तुमने, तुरंत प्रिलिम्स से पता नहीं निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, वैसे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैंने बताया तो उन्होंने कहा यार तुम्हारा तो कंपलसरी है, छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारी। एक अटैम्प्ट गया जब चार ही अटैम्प्ट हुआ करते थे। मैंने फिर से कैलकुलेशन किया, एक दिन से डिबार हो रहा था, मेरा 31 जुलाई है और अगस्त में काउंट होता था, तो एक दिन से ओवर हो जा रहा था फली अगस्त को। तो तय किया कि नहीं, फिर जल्दी जल्दी एक सप्ताह में तैयारी की। लेकिन इस पूरे एग्जामिनेशन के बीच में कई बार ऐसे हालात आए कि मुझे लगा कि पूरी हर एक पूरी सिचुएशन ही मेरे खिलाफ खड़ी है, कि शायद मैं, मेरा हो ही ना पावे। कई बार डाउन हुआ, कई बार डाउन हुआ, फिर अप किया खुद को, और फाइनली जब मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन इतना याद है कि जब रिजल्ट आने को था तो मैंने एक लड़के को कहा कि तुम जाके जरा रिजल्ट, उसमें रिजल्ट ऐसे आता था ना, उसमें इंटरनेट बहुत स्पीडी नहीं हुआ करता था, तो एक एक पेज खुलता था, अपलोड किया जाता था, तो एक एक पेज खुलता था। तो उसने कहा कि आपको डर है कि आपका नहीं होगा? मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। और उस समय तक मैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होने लगा था, ये सोच के कि जो पूरा गया है मेरा पेपर शायद वो बेटर होगा, तो अब इतना कॉन्फिडेंट होने लगा था कि सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं कहूँगा कि मुझे ये पता था कि मैं हिंदी मीडियम का टॉपर निकल जाऊँगा, मेरी 29th रैंक आ जाएगी। अच्छा, एक और भी चीज़ है, मुझे इतनी डिटेल में पता ही नहीं था। आपको बहुत सारे लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, मुझे ये भी नहीं पता था उस समय तक कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको सर्विस मिलती है। मुझे तो बस ये पता था कि मैंने जो भरा है IAS के लिए, अगर सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मुझे वही मिलेगा। इतना इग्नोरेंट मैं था। मुझे बस ये पता था कि मेरे सामने ये सिलेबस है और मेरे सामने इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, दैट आई हैव टू सॉल्व। और फिर इंटरव्यू भी बहुत बढ़िया गया। संयोग ही ऐसा था कि पता नहीं इंटरव्यू में ऐसी चीज़ें होने लगी, मेरे नाम से ही शुरुआत हो गई, फिर मेरे नाम पे ही 7-8 मिनट तक इंटरव्यू चल गया, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। तो अचानक से दुनिया ही बदल गई। गांव में तो आप सोचिए, जिसको हम दूर से जाते थे देखते हुए कि सायरन बजाते हुए गाड़ी जा रही है, अचानक से उसके घर ये पता चले, तो थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ा मेरे लिए शुरुआती। और आप एक आइडियोलॉजी के साथ अगर अपनी सर्विस को शुरू करना चाहते हैं तो उसमें बहुत बड़ी बाधा भी है ये। और लेकिन ये कह सकता हूँ कि ऊपर वाले की कृपा या हर एक तरीके से
17 साल बेहतर तरीके से निकाले और अभी भी एक संतोष है कि मतलब सेटिस्फेक्शन है कि मुझे कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। शायद मैं उन लकी लोगों में हूँ कि सब कुछ उसी तरीके से जैसे मैं चाहता हूँ और जो सामान्य तौर पर रूल रेगुलेशन के हिसाब से होने चाहिए उस तरीके से मैं करने में कामयाब रहा। ये तो सिलेक्शन तक का मेरा रहा। जो लोग आज भी तैयारी करते हैं उनसे कहता हूँ कि सब हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। हर एक व्यक्ति की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस हैं। इस एग्जामिनेशन में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करिए, अपनी वीकनेसेस पे ध्यान दीजिए, लेकिन आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। इन तरीके के लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहिए कौन हिंदी, मतलब ज़्यादातर लोग कहते हैं हिंदी मीडियम वाले सिलेक्ट नहीं हुए, इंग्लिश मीडियम वाले। ये ट्रेंड रहता है कि अप डाउन होते हैं। आपका कंटेंट रिच होना चाहिए, आपकी समझ बेहतर होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन ही आपको लेके जाएगा आगे। सवाल से प्रैक्टिस का सबको उदाहरण देता हूँ कि अगर एकलव्य मूर्ति के सामने प्रैक्टिस करके सबसे बड़ा धनुर्धारी बन सकता है तो ज़रूरी नहीं है कि अर्जुन जैसी सुविधा आपको मिले। असली स्ट्रगल तो मेरा IAS बनने के बाद शुरू हुआ। ये लोगों ने रामपुर से जाना शुरू किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि रामपुर में अचानक से मैंने ऐसा कर दिया हो। शुरू से ही इसी तरीके से ही मैं कार्य करता रहा हूँ कि डिस्पोजल में मैं बोल्डली जो सही है वही करूँगा। और ये सही है कि रामपुर से, चूँकि एक उसमें एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ गई कहानी, ऐसा नहीं है कि टारगेट करके या ऐसा कुछ करना था, वो एक अचानक से संयोग से चीज़ें हो गई। क्योंकि जब मैं फतेहपुर पहुंचा तो फतेहपुर अभी भी अनमूविंग, मतलब वो क्या कहते हैं, अनइंटरेस्टेड पहुंचा था। दिमाग में था इतने सीनियर लेवल पे फर्स्ट पोस्टिंग के डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, और रामपुर में बहुत अनविलिंगली आया था। और उस समय मुझे याद है कि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो कुछ दिन तक तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाया था। अब ये संयोग ही है कि मैं रोड पे जा रहा था एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और मैंने देखा कि सामने PWD की रोड पर ही लो लेवल का एक गेट खड़ा है। तो मैंने उसके बारे में इंक्वायरी की, और ये मेरे ज्वाइन करने के 10-12 दिन बाद हुआ। तो फिर मैंने सबसे इंक्वायरी की तो पता चला कि इसका तो रिमूवल का आदेश पारित है, फिर भी नहीं हुआ है। फिर मैंने अधिकारियों को बुला के पूछा क्यों नहीं हुआ भाई, तो कोई कुछ बहाना बनावे, कोई कुछ बहाना बनावे। मैंने अपने अधिकारियों को कहा कि ये गेट इलीगल है तो रिमूव होगा। तब तक फिर 2-3 और चीज़ें मेरे संज्ञान में लाई गई जिस पे भी पहले से आदेश पारित था और फिर भी वो रिमूव नहीं हुए थे या अवैध कब्जे में थे, तो मैंने इन्फोर्समेंट का आदेश दिया, इन्फोर्समेंट हुआ। तब तक मुझे एक ये आइडिया नहीं था कि इसको पॉलिटिकल इशू इतना बनाया जाए। अब यहाँ पे लेकिन एक दुविधा थी, ये पता था कि ये यहीं पे चीज़ नहीं रुकेगी। एक निर्णय था जो कड़ा लेना था। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ और थैंकफुल हूँ कि सरकार ने इसमें पूरी तरह से मेरे साथ खड़ी रही। उसने काफ़ी ताकत थी मुझको, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि, और माननीय मुख्यमंत्री जी ख़ास तौर पर, ये केवल रामपुर में ही नहीं, ये फतेहपुर में भी था। लोगों को लगता है केवल रामपुर, ये फतेहपुर में भी था। और निर्देश बड़े स्पष्ट होते हैं कि आप विधिक रूप से जो सही है वही करिए, इसके अलावा कोई स्पेशल निर्देश नहीं होता। और ये सभी को वही निर्देश होता है, ये आपके लिए है कि आप आगे क्या करते हैं। मैं पूरी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ और अपने होश हवास में कभी किसी रूल को वायलेट करके कोई काम नहीं किया, फेम के लिए नहीं किया। हाँ, जिंदगी में आपके मूड ऐसे आते हैं कि आप एक प्रोसीजर से काम कर रहे हैं और वो चीज़ें लोगों के जहन में जाती हैं। कई बार होता है, ये मेरे साथ भी है, कि आपको किसी अपने लिए गए फैसले के लिए चिंता भी होती है। आपका भी परिवार है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तरीके के मुझको मैसेजेस भी किए गए जिसमें
थ्रेटनिंग भी थे, जिसमें एल्योरमेंट वाले भी थे, लालच से लेके भय तक हर एक चीज़, साम दाम दंड भेद सबसे गुजरा हूँ। मुझसे ज़्यादा लेकिन मेरी टीम गुजरी है जो मेरे साथ काम कर रही थी, और मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि अपनी टीम के साथ कि वो मेरे साथ खड़ी रही। और मैंने कहा था कि आप ये मत भूलिएगा कि जो सामने व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रेस्पेक्टेबल, एक तरीके से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रेस्पेक्टेबल होता है अपने लोगों में, अपने वोटर्स के बीच में, तो कोई आसानी से आपकी चीज़ मतलब जो आप निष्कर्ष लेके आए हैं वो मानेगा भी नहीं, और कई तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। आप अनुशासित रहिए, जिस दायरे में आपको काम करना है उससे एक सूत ज़्यादा ना एक सूत कम, उसको सही जगह पर डिस्पोजल होने दीजिए, निष्कर्ष आप ना निकालिए। जिस जगह से इसका डिस्पोजल होना है वहीं से होना चाहिए। हम अपना काम बेहतर तरीके से करें, सही तरीके से करें, कहीं पे हम बायस्ड ना हों। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपनी सर्विस में आज तक पूरी कोशिश की कहीं पे बायस्ड ना हों। देखिए, परिवार तो परिवार है, परिवार तो चिंतित होता है, और शुरू से ही ये चिंता रही, न सिर्फ मेरे माता पिता को, मेरे भाई बहन को, मेरी वाइफ, बच्चे तो अभी बहुत ज़्यादा समझ नहीं को है, लेकिन मेरी वाइफ को भी चिंता हुई। लेकिन एक चीज़ है कि वो मेरे नेचर को भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी चिंता जाहिर नहीं की, मुझको चेताया नहीं। जिस तरीके से परिवार दबाव बनाता है उस तरीके का दबाव मेरे पे था, इसमें कोई दो राय नहीं, और परिवार की चिंताएं अपनी जगह पे तब भी थीं अब भी हैं। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मैं गलत नहीं करूँगा, और जिस चीज़ को मैं सही समझता हूँ उसको करूँगा ही करूँगा। तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसमें ज़्यादा काम आई, और परिवार मुझको समझता है, ये मेरी ताकत भी है। ये नहीं कहूँगा कि नहीं, मेरे फैसले में वो मेरे साथ थे। एक अधिकारी के तौर पर मैं एक्चुअली अपने ऑफिस को कभी घर लेके नहीं जाता, कोशिश पूरी करता हूँ कि मेरे ऑफिस की चीज़ें घर पे ना हो। संजोग से ये रामपुर तक तो सिलसिला चलता रहा, रामपुर के बाद चूँकि टीवी में बहुत सारी चीज़ें आने लगी तो इससे परिवार भी प्रभावित हुए, ऑफिस घर भी गया, अनोइंगली डायरेक्टली तो नहीं गया पर इनडायरेक्टली गया। तो परिवार चिंतित तब भी था, परिवार चिंतित अब भी है, ये उनके लिए बहुत असामान्य बात है। लेकिन ठीक है, वो ये जानते हैं कि मैंने ना कभी गलत किया है ना कभी गलत करूँगा,